देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज, देश की शान। उत्तर प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ की गैंग रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये विरोध प्रदर्शन किया है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर वे गैंग रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाए जाने की मांग करेंगे। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही कसमंडा हाउस के तरफ भारी पुलिस बल तैनात रही। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा तब तक इस प्रदेश में हत्या लूटपेटी अभी काम किए हो, हमें मारने की धमकी भी दे रही। अगर तुम लोग गांव में आ जाओ तुम्हें मार डालेंगे या तो सुलह हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी की लोग हमें गांव में नहीं रहने दे रहे हैं। हम जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे, क्या घटना हुई थी, आपने एफआईआर दर्ज कराई थी, कोई कार्रवाई की थी? बार बार एफआईआर कर ही नहीं रहे थे, और जब कहना ज्ञात में एफआईआर करो तो ज्ञात में ले गए, फिर दूसरे दिन गए कहना नाम जब्ती कर दो तो चार आदमी का नाम जब्ती कर दिया, तो फिर गए तो फिर बोले कि नहीं नहीं एक आदमी का नाम जब्ती करो, पूरे गांव को नहीं फंसाया, तो एक आदमी किया तो फिर एफआईआर हमारी दर्ज हुई। घटना थी और ये 23/4 को मुख्यमंत्री साहब के पास वो दिया था जो 1076 पर फोन किया था, लेटर कोरोना के मारा यहाँ आ ही नहीं पाते थे। कोई आश्वासन मिला था आपको? हाँ मिला था। क्या कहा? तो वो कहे बोले कि महिला बोल रही थी कि तुम्हारा काम हो जाएगा, अभी तक नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और दरोगा ऐसो आते थे हमारी लड़की को मारते थे, कहें कि चलो तुम सुलह करवा लो, तो हमारी लड़की कहा है रानी देवी जाने की जिसके नाम मुकदमा है हम नहीं जाएंगे। और जिन्होंने किया था कौन है, वो कोई नेता बता है, ये कुछ है नेता हैं तो नहीं पता से एफआईआर दर्ज हुआ नहीं, एफआईआर नहीं दर्ज हो, राज कायम हो गया है, हत्या लूट डकैती बलात्कार इस तरह के चरम पे हो रहे हैं। सरकार बेवजह चिल्ला रही है कि अपराध जीरो टॉलरेंस पे है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका आप देखिए 3 महीने हो गया इस लड़की को, 3 महीने 1 महीना 5 दिन इसके साथ अभी हुआ है, लेकिन आज तक जब इसका बयान हो गया CGM के यहाँ तो फिर उस अपराधी को पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश है, अपराधी जेल छोड़ प्रदेश छोड़ के भागते हैं, जो हैं जेल में हैं, तो फिर कानपुर में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? कानपुर की घटना जिस तरह हुई है, इस प्रदेश सरकार को तो ईमानदारी से अपने इस्तीफा देकर के हट जाना चाहिए था। अच्छा जी, लड़की कहाँ की है और कब? ये भैया थाना है इसका जो है आपका प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली लड़की है, थाना हथिगवा का है और मामला अप्रैल का है, 4/6 को इसका बयान हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जी आप क्या करने जा रहे हैं, आज क्या करने जाएंगे? मुख्यमंत्री क्या चल रहे हैं ज्ञापन देने की, भैया देखो आपके राज में यही हाल है, आप कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी बचेगी कैसे पढ़ेगी? अजय जी कल 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की हत्याएं हुई, आप हमेशा काम व्यवस्था की बात करते थे, कल यहाँ 8 सिपाही शहीद हुए, प्रतापगढ़ में हत्या हुई, लखनऊ में हत्या हुई, कल इलाहाबाद में 4 हुई, बड़ी घटना का उत्तर प्रदेश 24 से काफी बड़ा। देखिए उत्तर प्रदेश में जो BJP है भारतीय झूठ पार्टी, इस सरकार को ब्यूरोक्रेट चला रहा है, BJP नहीं, आपने देखा कि कोरोना से निपटने के लिए 11 टीम बनी, उसमें 10 लोग जो है ब्यूरोक्रेट हैं, अकेले मुख्यमंत्री, DPCM पे भरोसा नहीं, दो दो DPCM, कैबिनेट पे भरोसा नहीं, तो क्या किया जाएगा? देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।